तो आज हम बात करने वाले हैं चेन के बारे में और साथ में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर चेन कैसे पकड़ते हो आप, डिफेंडर फुटवर्क कैसे होता है और साथ में आप चेन होल्ड कैसे करेंगे, डिफेंडर कैसे पकड़ेंगे चेन के अंदर, उन सभी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हेलो, दिस इज दीपांशु सिंह एंड यू आर वॉचिंग एपिसोड 14 ऑफ कबड्डी स्किल्स। तो ये थी एक बेसिक सी सिंपल चेन जिसके अंदर हम नॉर्मली क्या कर रहा था, रेडर की रेड के ऊपर रेडर को पकड़ा था और लिफ्ट करा था उसको ऊपर। तो ये हमारी नॉर्मल चेन थी और स्टार्ट करते हैं चेन की पहले कि होल्ड कैसे करते हैं चेन को, कि आप पकड़ते कैसे अपने जो साथ में आपका इनका प्लेयर होगा उसको कैसे पकड़ते हैं। तो इसकी जो ग्रिप होती है ना वो कुछ तीन तरीके की होती है ग्रिप, आपको दिखा दूँ किस तरीके की ग्रिप होती है ये, जिसकी मेरे साथ में अभी है तो यहाँ पर ग्रिप दिखाता हूँ। पहले एक तो आप नॉर्मली पकड़ते रिस्ट से इस तरीके से, ठीक है, और ये रिस्ट से जो पकड़ेगा वो बाहर वाला बंदा पकड़ेगा ना कि अंदर वाला। ये मेरी रिस्ट पकड़ेगा इस चीज़ में, अगर मेरी पकड़ ली रिस्ट तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अटैक मारना है मेन मेरा काम है। ये जब पकड़ सकता है रिस्ट कि जब उसको इनसे अटैक मारना हो तब, या फिर नॉर्मली क्या है कि हमेशा ध्यान रखना कि बाहर वाला बंदा रिस्ट पकड़ता है, अंदर वाले को लॉजिक नहीं बनता रिस्ट पकड़ने का, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वो आपका होता है फिंगर्स को पकड़ने का। अब फिंगर्स कई प्लेयर्स का अलग अलग स्टाइल होता है, कई प्लेयर्स इस तरीके से फिंगर्स पकड़ते हैं कि हमारी दो उंगली इस तरीके से दबा के, कई पकड़ते हैं अपनी प्रॉपर अपनी इस तरीके से पकड़ते हैं, बट जो ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं वो दो फिंगर्स इस तरीके से दबा के पकड़ते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि जिस तरीके से आप ग्रिप कंफर्टेबल लग रही है आपको, क्योंकि जो टूटने का चांस होता है बहुत कम होता है और दोनों तरफ से ग्रिप होती है। एक तरीका आपका, आपने ये भी देखा होगा इस तरीके से पकड़ते हैं कि थोड़ा सा क्या होता है टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस चीज़ को, तो इसको ज़्यादा नहीं मानते। मेन क्या आपका फिंगर्स का इस तरीके से, या आपको अटैक मारना है सोलो तो आप ये पकड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप कॉर्नर हो और सोलो अटैक मारना है आपको तो आप इस तरीके ग्रिप पकड़ सकते हो जिससे आप नॉर्मली हाथ छोड़कर अटैक मार सकते हो। बाकी चेन आपको मारनी है प्रॉपरली तो सबसे बेस्ट ग्रिप उसके लिए ये रहती है क्योंकि इसमें दोनों का हाथ टाइट रहता है और चेन टूटने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये थी कुछ हमारी ग्रिप्स चेन होल्ड करने के लिए। तो अब बात करते हैं डिफेंडर फुटवर्क के ऊपर, कि आपके जो डिफेंडर होते हैं उनको फुटवर्क हो, जैसे रेडर का फुटवर्क होता है ना प्रॉपर, वैसे ही डिफेंडर्स का ही फुटवर्क होता है। अब उसके बारे में बात करेंगे तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको चेन पकड़ के, कि जैसे मेरे को ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चेन ये लगती है फिंगर्स वाली, तो इसमें फुटवर्क दिखाऊंगा आपको। तो जो सिंपल पहले फुटवर्क होता है ना आपका नॉर्मल भागने का होता है, कि आप नॉर्मल तरीके से भागो, मेरे को वहाँ भागना है तो मैं ऐसे भाग जाऊँ, ठीक है, वापस आना है तो मैं ऐसे ही वापस आ जाऊँ कुछ भी ऐसे करके, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल रनिंग होती है, जो नेचुरल रनिंग होती है ना आपकी, उस तरीके की रनिंग होती है, ठीक है। दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, यह हमें कहीं जाना है तो हम ऐसे ही नॉर्मल भाग गए, ठीक है, वापस आना है तो हम ऐसे ही वापस आ गए। ये आपकी नेचुरल रनिंग में है, जैसे आपके अपने आप पैर चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। सेकेंड जो तरीका होता है हमारा वो होता है लीडिंग लेग टाइप में, साइड रनिंग जैसे आप करते हो उस तरीके से होता है, जिसके अंदर हमारे जो है ना दोनों के पैर इधर से मिलकर चलते हैं और नॉर्मली इस तरीके से चलते हैं। ये थोड़ा स्लो फुटवर्क होता है, जब आपको स्लो आगे पीछे हटना है तो उसके अंदर ये चीज़ काम आती है। दिखा दो फिर से वो करके, ये वही पोजीशन है। हमें ध्यान रखना आपको बॉडी थोड़ी फ्लेक्स कर रखनी है बैंड, ताकि अगर ज़्यादा टाइट रहोगे तो फिर कुछ चीज़ आप एक्शन जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अपनी बॉडी फ्लेक्स रखना, नीज वगैरह को चेन टाइट रखना हमेशा, और ये आपको हमेशा इस तरीके, ये थोड़ा स्लो फुटवर्क है, इस तरीके से हमें वापस आना होता है, ठीक है। तीसरा तरीका हमारा होता है वो होता है हमारा क्रॉस लेग्स में। क्रॉस लेग्स के अंदर आपकी स्पीड अच्छी बढ़ जाती है, और अगर आप नेचुरल भी याद करें नेचुरली आप भागते हो तो भी ज़्यादातर क्रॉस लेग्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो क्रॉस लेग्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पीछे वाला पैर आगे आता है इस तरीके से, ये इस तरीके से रनिंग होती है, और वापसी आने के आपकी इस तरीके से वापस जाता है आगे वाला पैर पीछे होके। तो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आप किसी नए बच्चे को सिखा रहे हो, तो स्टार्टिंग क्रॉस लेग से करिए ताकि उसका जो फ्लो है या फिर स्पीड जो है उसकी डिफेंडर के तौर पर वो ज़्यादा बढ़ जाए। दिखाता हूँ आपको, स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको कैसे क्रॉस लेग्स होते हैं। हमारी पोजीशन है नॉर्मल फ्लेक्सिंग करके, बॉडी फ्लेक्स है हमारी, अब रनिंग लेनी है हमें क्रॉस लेग्स में इस तरीके से, ये आए हम वापस इस तरीके से, इस तरीके से क्रॉस लेग्स कर सकते हो। तो अब बात करते हैं क्रॉस लेग्स की जो आकर उठाने की चीज़ है उस तरीके से, कि आप एक चीज़ ये ऐड कर सकते हो, ये हमारे फुटवर्क है, हमने क्रॉस लेग्स लिया हमने, अब यहाँ नीचे से हमने चेन उठानी है इस तरीके से, ठीक है, ना हम डायरेक्ट इस तरीके से मारे ना हम ऊपर रखे, चेन प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग बेसिक में, तो हमेशा चेन नीचे से उठानी है। इस चीज़ में दो चीज़ के फायदे रहते हैं, अगर कोई प्लेयर डुबकी का है तो आप नीचे उठाओगे तो फंस सकता है इसके अंदर, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जंप का प्लेयर है तो आप नीचे से ऊपर उठा रहे हो तो भी फंसने चांसेस होते हैं। तो बॉडी पे ध्यान रखना, पूरा बॉडी फ्लेक्स रखनी है, और चेन जो उठानी है आपको वो नीचे से ऊपर उठानी है। अभी बात करते हैं चेन होल्ड करने का तरीका कैसे होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्लेयर है और ये मेरा इन है, ठीक है, अब ये मेरा कवर का इन भी हो सकता है, कॉर्नर का इन भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अभी सिंपली आप दिखा रहा हूँ किस तरीके होल्ड करते हैं। जैसे कि रेडर है यहाँ पर, ठीक है, हमने जब चेन मारी उसको तो पहले तो हमारी प्रोसेस क्या था, हम नीचे से ऊपर उठाएंगे। हमने चेन मारी, जैसे क्लोज आना है उसके, एक तो क्लोज आना है बहुत, जितना क्लोज हो सके आपके, क्योंकि गैप रख दोगे
तो आप जल्दी इसके पहुँच नहीं पाओगे, ठीक है, आपका हाथ नहीं पहुँच पाएगा टांगों में। तो मेन क्या आपको पहले क्लोज आके इसको चेन मारनी है, सेकेंड स्टेप में क्या रखना है आपको टांगों के बीच में डालनी है दोनों, डिफेंडर जो बाहर की तरफ है और जो अंदर की तरफ डिफेंडर है, मतलब कि मैं कॉर्नर हूँ और ये मेरा इन है, दोनों को हाथ डालना है। हमने चेन मारी, हाथ डाल टांगों के बीच में और प्लेयर को लिफ्ट करना है ऊपर इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ फॉलो करनी है, इसी का ध्यान रखना हमें, सिंपल ही वही है, ठीक है। ग्रिप है हमारी, हमने चेन मारी नीचे से यूँ, अभी प्लेयर यहाँ पर सीधा खड़ा हुआ है, बट रेडर कभी ऐसे सीधा खड़ा नहीं होता, हमें फ्लैक्स रहता है, थोड़ा सा डाउन रहता है, ठीक है। चेन मारी नीचे से ऊपर, हाथ डाला और लिफ्ट करा इस तरीके से, साथ में आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो थोड़ी अपने हिसाब से, जो आप करना चाहते हो है हु इस तरीके से, थोड़ा सा इससे क्या होता है थोड़ा आपका मोरल अप होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस अप होता है और थोड़ा डर भी लगता है रेडर को जब आप चेन इस तरीके से मारते हो, तो ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो और थोड़ा जोश जगाने के लिए अपनी ये चीज़ ऐड कर सकते हो, प्रैक्टिस टाइम ऐड कर सकते हो और बाद में तो आप इस चीज़ को और ऐड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने तरीके की चेन आप मार सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं अब। तो पहले जो होगी हमारी वो होगी आपकी सिंपल चेन, जो कि हम खड़े खड़े यहाँ पर जो मार गए डिफेंडर्स, ठीक है, चाहे कवर हो चाहे कॉर्नर हो दोनों कर सकते हैं, जिसके अंदर जो रेडर है ना वो खुद चेन में आता है, हमें पोजिशन ज़्यादा हिलना नहीं पड़ता, हम जहाँ खड़े हैं वहीं पर रेडर खुद आ रहा है, वो होती है सिंपल चेन आपकी। तो वो पहले दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, जो स्टेबल एक पोजिशन पर होती है, हमारे सामने रेडर है, हमारी पोजिशन है, अभी सिंपली दिखा रहे हैं इस तरीके से आप चेन मार सकते हो, इसके अंदर आपको एक सिंपल खड़ा होना है और अपनी पोजिशन से आपको उठा लेना है। दूसरी होती है आपकी वन स्टेप चेन, जिसके अंदर हम एक स्टेप बढ़ा के चेन मारते हैं, अभी सिंपली रेट डालना आप कुछ नहीं, आप मतलब डाइट ही आप दो तीन स्टेप के अंदर आ जाओ, जैसे रेडर हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर है, अब हमें एक स्टेप बढ़ाया और यहाँ पर चेन हमने मार दी, ठीक है, अभी हम ज़्यादा उठा नहीं रहे, नॉर्मल रख रहे हैं। तो ये होती है हमारी वन स्टेप चेन, जिसके अंदर हम ये पोजिशन से एक स्टेप आगे बढ़ा के फिर हम चेन मारते हैं अपनी, ठीक है। अब बात करें तीसरी चेन के बारे में, जो कि हमारी होती है रनिंग चेन, जिसके अंदर सिंपल क्या होता है, रेडर जो खड़ा होता है और हमें भाग के चेन मारनी होती है, आप भी कवर से कर सकते हो कॉर्नर से कर सकते हो, इसलिए हमें रेडर यहाँ पर कॉर्नर पर गेम खेल रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर कवर पर है, अब रेडर का हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ से हम भाग के देन यहाँ पर आके क्लोज, बिल्कुल क्लोज आना पड़ता है रेडर के पास, देन यहाँ से हम चेन मार सकते हैं, दिखाते हैं ढंग से, रेडर आप जैसे खड़े रहिए, बस यहाँ पर रेडर खड़ा है, हम कवर पोजिशन में है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर नॉर्मल नेचुरल रनिंग काम में आती है सबसे ज़्यादा स्पीड करने के लिए, अब हमें क्लोज आना है बहुत रेडर के, हम भागे यहाँ क्लोज आए, रेडर के हाथ डाला और इससे लिफ्ट कर लिया, इस तरीके से होती है हमारी रनिंग चेन। तो नेक्स्ट जो लास्ट चेन है वो है हमारी आपकी फॉलो चेन, जिसके अंदर जब रेडर यहाँ से वापस घूम के जा रहा होता है तब हम पीछे पीछे आके चेन होल्ड करते हैं, अब आप होल्ड कर सकते हो इसके अंदर, आप डैश भी कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पर हम बता रहे हैं होल्ड के बारे में, जैसे आप यहाँ पर आके वापस जाओगे बैक दिखाते हुए एक स्टेप रनिंग लेके, जैसे रेडर हमारे सामने है, रेडर यहाँ पर आया वापस गया, हम यहाँ पर पीछे फॉलो करके और यहाँ हमने चेन मार दी, वही यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, टांग में हाथ डाल के आपको ऊपर लिफ्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना चेन का आपको उठाना जरूर है, जिससे आपके पूरे कब्जे में एक तरीके से रेडर आ जाएगा। तो ये थी कुछ हमारी चार तरीके की चेन, अब यही चेन आपको दिखाता हूँ मैं दूसरे कॉर्नर से किस तरीके से होती है। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे और यहीं से मैं दिखाता हूँ अगर जो लेफ्ट का रेडर है उसको क्या चेन मारनी है, आप लेफ्ट कॉर्नर हो तो, ठीक है, और लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट कवर दोनों के लिए सेम चीज़ फॉलो करती है। जिसके रेडर पहले दिखाता हूँ सिंपल चेन, जिसके अंदर रेडर खुद घुस जाए चेन के अंदर, पोजीशन हमने ले रखी है, ठीक है, रेडर यहाँ पर रेड डालते हुए रनिंग ली रेडर ने और ये आपने प्रॉपरली उठा लिया, ये होगी आपकी सिंपल चेन। सेकंड चेन आपकी वन स्टेप, जिसके अंदर हम एक स्टेप आगे बढ़ा के चेन मारेंगे, जैसे कि रेडर में पहले रुक जाता है उसके अंदर ये चीज़ काम आती है, ठीक है, रेडर पहले रुक गया, हमने एक स्टेप लिया और हमने यहाँ पर उठा लिया, अभी मैं नॉर्मली एक हल्का हाथ डाल उठा रहा हूँ इस तरीके से, आपको पूरा हाथ डालना है, इसका ध्यान रखना, अभी मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ आपको कि आप मैंने हल्का हाथ डाला है, आपने ध्यान दिया होगा, बट आपको जब डालनी है तो आपको हमेशा पूरा हाथ डालना है जितना हो सके, जितना अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे आप। फिर थर्ड है हमारी रनिंग चेन, रेडर जब स्टेबल अपनी पोजीशन पे होता है तब हमें मारनी होती है पूरी स्पीड के साथ में, जिसके रेडर यहाँ पर रुक रखा है, ठीक है, हम यहाँ पर हम रनिंग में गए, यहाँ पोजीशन ली और लिफ्ट कर दिया, ये होती है हमारी रनिंग चेन, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देते हैं, रेडर हमारा पोजीशन है स्टिल, ठीक है, ये पोजीशन है, हम यहाँ पर गए क्लोज आए तो उठा दिया अभी नॉर्मल तरीके से, ठीक है। हमारी लास्ट है फॉलो चेन, जिसके अंदर रेडर जब बैक दिखाता हुआ जाता है ऐसे होता हुआ तब हमें चेन मारते हैं, दिखा दे किस तरीके से, जैसे रेडर यहाँ पर आया, अभी रेडर ने अटैम्प्ट लिया एक तरीके से, अभी हम पीछे हटके वापस जा रहे हैं, हम पीछे से फॉलो करते हुए गए और ये चेन, और हम डैश कर सकते हैं पकड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादातर इस पर डैश लोग मारते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इस चीज़ को।
तो ये थी हमारी लेफ्ट से भी सारी चेन यहाँ पर कवर अप हो चुकी है। तो ये थी आपकी सारी चेन्स, और जो चेन होती है वो मेन होती है डिफेंडर के लिए और रेडर के लिए भी। अगर कोई चेन पकड़नी नहीं आती है, ग्राउंड में खड़ा होना नहीं आता, कोई डिफेंडर का फुटवर्क ही नहीं आता, तो आप कुछ नहीं कर सकते कबड्डी के अंदर, क्योंकि डिफेंडर के लिए चेन बहुत ज़्यादा मेन स्किल होती है एक। तो ये आप जरूर पूरी वीडियो देख के समझ के ट्राई करना, और आप नॉर्मली इसके लिए प्रैक्टिस जो कर सकते हो, आप एक्सरसाइज जो कर सकते हो नॉर्मली, वो यही है कि आप चेन पकड़ के खड़े प्लेयर के ऊपर उसको एक बार चेन मार के उठाओ खड़े प्लेयर के ऊपर, कुछ आपको स्टेप वगैरह आगे कुछ नहीं करने, इस तरह की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और हमेशा अपनी बॉडी को फ्लैक्स रखिए, बैंड रखिए, जिससे आप रिएक्शन अच्छे से कर पाए, जल्दी कर पाए, ठीक है। तो इतना था इस वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।